जहां गिरजा वास्तविक नापस्तलीन था। भगवान के इतिहास में किसी राजकुमार का इस कदर लालन पालन नहीं हुआ जिस तरह से लालन पालन जहां गिरता हुआ। यह बच्चा अगर खेलते खेलते धरती पर गिर जाए, कहीं से चोट ना लग जाए, इस बच्चे की फिटनेस कमरे कहीं का ज्यादा धरती पर घिस जाता था। यह बच्चा अगर खेलते खेलते किसी चीज की मांग करता था और बोलने के लिए वो बात पूरा बोला नहीं, वह समान उसके चरण होता था। आज सच की बात है कि अंधेरी रात अपने पांव पर खड़ा होकर ये बच्चा ने आसमान को कैसे नहीं देखा। अगर आसमान को देखा होता और डाल होता आपा जाना मेरे शाम चाहिए तो मुगल सेना शाम पर निकाल दे दिया गया। लेकिन बात यहाँ ये नहीं, बात यह है कि बच्चे की लालन पालन सही तरीके से होना ही चाहिए। लेकिन बच्चे का लालन पालन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा चिट्ठी हो जाए और जहाँ की चिट्ठी हो गया वह ना सिंह को जानता ही नहीं था, वह ना को जानता ही नहीं था। और अकबर के शासन काल में ही वह धरती पर बैठने के लिए बगावत करती और जहांगीर के कमरे पर वीर सिंह कुंदेला नामक सरदार ने अपन फजल की हत्या कर दी। अपन फजल की हत्या से अकबर इतना दुखी हुआ कि वह चाहकर भी जहांगीर को कुछ नहीं कर पाया। पतलवार जीते हुए जहांगीर पास गया और सलीम 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 चीख के रह गया, लेकिन किया नहीं। अकबर गया पता महाराजा भाई अपने लाटे को समझा दीजिए, मैं इससे नहीं डरता, आपकी आंखों से डरता है। अपना से तलवार फेंक दिया और दीवार में सर गिर के गिर जैसा पूरा सर पड़ गया। जहांगीर कुछ सभी के नाम जानते तथा जहांगीर की पुरानी शादी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री जहांगीर की पहली शादी आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान बाई के साथ हुई थी। मान बाई से जहांगीर के पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम कुसरो था। इस प्रकार कुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा था। जहांगीर की दूसरी शादी मारवाड़ के राजा उदेश की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुई थी। इस बात के वस्तु जहांगीर के पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम खुर्रम था। इतिहास का विशेष जहां के नाम जानते हैं। जहांगीर की फिर शादी बेगम शाही के चमाल के साथ हुई थी। इस बात के वस्तु जहांगीर के पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था शहजादा परवेज। जहांगीर को अनारकली साथ सुलभ पर हो गया। अकबर चाहा दोनों के लिए जितना दूरी बन जाए उतना दोनों एक दूसरे के नजदीक आते चले गए। अकबर बहाना बनाकर सलीम को अपने राज से काफी दूरी पर भेज दिया और कहा कि अनारकली को मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अनारकली को केस पकड़ कर सीधे हुए अकबर के पास आया गया। अकबर कहा कि अनारकली के मैं इसके चेहरे पर से नकाब हटा दिया जाए ताकि हम भी इसकी खूबसूरती को देखें। इसकी खूबसूरती में ऐसी कौन सी बात है जो हमसे मेरा बेटा छीन है। अनारकली के चेहरे पर से जैसे नकाब हटाया गया अकबर चीखते हुए कहा कि इसे जिंदा दीवानों से छिनवा दिया जाए। अनारकली बोली कि सांसा कितना पूछने का हमें हक है, ऐसा हम कौन सा अपराध किए कि आप अपने दीवानों में छिनवा रहे हैं। अकबर कुछ नहीं बोला। तुम्हारी अपराध यही है तुम आवश्यकता सभी खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती ने हमसे मेरा बेटा सुना है इसलिए तुझे दीवानों में छिपा दिया जाए। अनारकली को बीच में खड़ा करके एक एक पीठ से जब दीवानों से छिपाया जा रहा था तो अनारकली खुदा का नाम नहीं लेकर एक ही नाम ले रही थी, सलीम सलीम सलीम। एक ही चौट पड़ता हमेशा के लिए अनारकली की आवाज खामोश हो जाती, लेकिन एक चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। वह आवाज थी अनारकली की मां की। अनारकली को मां चीखते हुए आई और बोली कि सहसा आपका कोई बेटा नहीं, जब आपका बेटा सलीम जम लिया था तो पानी तुम कभी मैं आपको दी थी और आप इतना खुश हो गए कि दौड़ कर खजाने में चले गए और
दी थी ना मोदी को दोनों हाथ से आसमान में लुटाने लगे। कई घंटा लुटाते रहे, फिर आपको हमारे चेहरे पर नजर गई, आप मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और बोले कि मान लो तुम्हें क्या चाहिए, ये जमीन क्या आसमान चाहिए। सांसद अमेरिका की नोटी की हमें आपका राज चाहिए तो आपको देना होगा, क्योंकि आप खुद कर रहे थे जो मांगना है हम लोग, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ इतना बोले थी कि बात आने पर मांग लेंगे। मेरी बात हमारी देश की जिंदगी पता दीजिए, ये थे दोस्त जहांगीर अकबर कहा नहीं, ये थे दोस्त भूल गई गलती पर आने वाला इंसान चांद को देख सकता है, छू नहीं सकता, और हमारी बेटी यही गलती की चांद को छूने का प्रयास किया, शायद यह भी भूल गई कि धरती में रहने वाले इंसान मंगल का ख्वाब नहीं करते, और ये चांद को भूल गई। हमारी बेटी को माफ कर दिया, क्यों माफ कर मामूली की संसद याद रखिए, याद कीजिए वो वक्त वही खबर दी थी और आप बोले थे मांग लेना, अब ऐसे बोली थी कि वक्त आने पर मांग लेंगे, याद पानी थी जिंदगी सवाल अकबर का याद रखिए, हमारी बेटी को जीवन पर रखिए। अकबर का दीवार कोर्ट का सही सलामत राजशाही को बाहर निकाला जाए, आजकल जो बाहर निकालने वाला अकबर आदि जारी किया, आप अपनी बेटी को लेकर की दूरी को चली जाए जहां पर मेरा बेटा सही नहीं जा सके। अनाकली अनाकली बोली कि हम लोग यहीं से चले जाएंगे, क्योंकि कमरे पर आने के बाद वहां पर जो भी चीज है गूगल लाल कराने की दौरा दिया गया समान है, और हम यहाँ का कोई याद नहीं ले जाना चाहते। अनाकली बोली जैसा ही पसंद, और अनाकली आपकी मांग पास जाने लगी, दूर जी जाने के बाद उठकर मुगल सम्राज की धरती से एक उनकी मिट्टी उठाई। अनारकली अनारकली शरीर से बढ़ती की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी पूरी जिंदगी बेहोशी में जानी तमाम चली, और बेहोशी में भी वह एक ही नाम ले रही थी, सलीम सलीम। और जब सलीम आया मुगल सम्राट की धरती से लेकर आसमान से पूछना प्रारंभ किया, अनारकली किधर गई, जब पता चला कि अनारकली आपकी दूरी चली गई है, तो सलीम अपनी जान को बाजी लगाकर सलीम के घोड़े की लगाम को थाम लिया। सलीम रोते हुए कहा कि आप कौन है, हमारे रास्ते को क्यों रोका, और वृद्ध इंसान रोते हुए कहा हम अनारकली के चाचा हैं। सलीम का उसके कितना बताया अनारकली के, और फिर जिंदा होते हुए कहा कि सलीम अनारकली दुनिया में नहीं है क्या, बस अभी अभी अनारकली अपनी जिंदगी से अंतिम विदाई ले ली। सलीम कहती उनकी इतना देर ताकि नहीं सलीम तुम अपने घोड़े से पूछो, ये तुम्हारा घोड़ा खुद तक और चल दिया होता तो फिर देखो वो अनार दो कदम करता और दो कदम और जिंदगी बच जाती। सलीम खान को फिर ये बताइए अनारकली की अंतिम दिशा क्या है, कहना मुश्किल है, दीवारों में सिमाने से लेकर और जिंदगी अपनी अंतिम सांस पर मैंने खुदा का नाम लेते हुए कभी नहीं सुना, सिर्फ एक ही नाम लेगी सलीम सलीम सलीम।
यीशु के सलीब थोड़े नीचे गिर गया कि चीखते चिल्लाते हुए गुबर रात बनाया और चिल्लाते हुए अकबर को कहा कि शहंशाह हमारी खता क्या है सिर्फ इतना बताइए आप, हमारी खता सिर्फ इतनी है कि मैं आपका बेटा हूं। तो फिर अनारकली की खता क्या है? अनारकली की खता यही है कि इसका जन्म किसी राज घराने में नहीं हुआ, वरना अनारकली हमारी होती। अकबर चीखते हुए तलवार की शाखा की काम कर रहे उनको और रोका हुआ सलीम लाहौर चलाया। लाहौर की धरती पर अनारकली की याद में एक मकबरा का निर्माण कराया। इस मकबरा को आज भी अनारकली के मकबरा के नाम जानते हैं जो लाहौर में। इस मकबरा के दीवारों पर सही रोते हुए अपनी हाथों से लिख दिया, काश मैं अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता, काश मैं अपने प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता तो कयामत के अंतिम दिनों तक अल्लाह को शुक्रिया करते रहता करते रहता। आसपास के लोग कहते हैं कि शरीर के आपस लिखा हुआ मकबरे के लिए लफ्ज आदमी। आसपास के लोग कहते हैं मेरी रात उस मकबरे के करीब जाकर आदमी को चिल्लाता है शरीर शरीर शरीर। इस मकबरे में कंपन किया जाती है, शायद इस मकबरा को आदमी शरीर कहा जाता है। सलीम अनारकली के नाम को यहाँ से हमेशा के अमर बना देने के लिए लाहौर की धरती पर अनारकली नामक बाजार का निर्माण कराया। ये बाजार आज भी जिंदा है। इस बाजार को निर्माण कराना कराने के लिए सलीम अपने शरीर का सारा जवाब खर्च कर दिया बेच दिया और यह बाजार आज भी अनारकली के बाजार के नाम जाना जाता है। कहा जाता है कि संसार के खूबसूरत बाजारों में से एक अनारकली के बाद सलीम किसी से बात करना छोड़ दिया और पानी तरह हमेशा शराब पीता था, हमेशा मस्ते भी रहता था। 1611 की बात है, जब मुसलमान की धरती नवरोज त्यौहार मना रही थी तो नवरोज त्यौहार के अवसर पर हजारों की संख्या में जब इस त्यौहार का दुख उठा रहे थे, सलीम अपने महल पर खड़ा होकर नशे की हालत में नवरोज त्यौहार को देख रहा। हजारों की संख्या में सलीम की निगाहें मैदान पर जाकर टिक गई। उस मैदान का नाम था नूरजहां। सलीम नशे से लड़खड़ाते हुए नूरजहां के पास गया और कहा कि इस दुनिया को हमें सलीम के नाम से जानती है, लेकिन मैं आपको किस नाम से पुकारूं मुझे पता है। मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं, आपकी ईरानी जहां दफ्तर देती हैं, आपकी निगाहें जहां दस्तक देती हैं वहां एक रिश्ता कायम कर देती। आपने मेरे साथ एक रिश्ता कायम कर दिया और रिश्ता है मोहब्बत की। इस प्रकार नूरजहां के साथ भी जहां रिश्ता लटपट हो गया, जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां के साथ शादी कर ली। नूरजहां का वापस इतना महसूस रिश्ता था। नूरजहां अपनी माता अफनत बेगम गुलाब से इत्र निकालने की विधि का बताया हूँ। नूरजहां की पहली शादी अलीपुरी बेग के साथ हुई थी। अलीपुरी बेग के इतिहास में हम शेर अकबर के नाम जानते हैं। इस विवाह के फलस्वरूप नूरजहां के पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था लाडली। आगे चलकर लाडली की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ करनी गई। नूरजहां का जहांगीर के साथ दूसरी शादी थी। जहांगीर से नूरजहां साधना कर वहां की अपने सिक्के बंदी कराकर निशा नामक सिक्का चलाया था। जहांगीर ने सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव को कठोर यातना देकर मरवा दिया। जब उसने जहांगीर के विद्रोही को दूसरों को आशीर्वाद दिया था। जहांगीर के शासनकाल में पर्सिया ने कंधार पर अधिकार कर लिया। कंधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। यह सैनी के रक्षा अभिनीति से सबसे महत्वपूर्ण था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में राजी नदी के तट पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराई थी। नूरजहां के पिता का नाम व्यास बेग था। इसे जहांगीर ने एतमादौला की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां अपने पिता एतमादौला के मकबरे का निर्माण आगरा में कराई थी।
यह भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है। आपका एहतमाम दौलत मकबरा भारत का पहला मकबरा है जिसके सर्वप्रथम पश्चिमकारी मुद्रा पूरा शरीर का प्रयोग किया गया। पत्री और पश्चिमकारी युद्ध कहा गया। सफेद संगमरमर को और मुद्रा पूरा शरीर देखा गया जब पूर्ण का डिजाइन बनाकर उसके कीमत पर भरा जाए। जहांगीर दूसरा अब्दुलवास पापा जी की अपनी आपका लेगी। जहांगीर का पुत्रपा का नाम के जहांगीर का यह पार्टी का सामने दी गई। जहांगीर का पुत्रपा को आगे बढ़ाने का श्रेय इतिहासकार नौकरी खान को जाता है। इतिहासकार नौकरी खान ने जहांगीर का पुत्रपा को एक नामा जहांगीर के नाम से आगे बनाया था। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ। जहांगीर का पापा जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। जहांगीर पापा सागर किसी भी चित्र बनाए अगर उस चित्र में आप बनाए पांच चित्रकार काम किया है जहांगीर के चित्र बनाने के लिए उस्ताद मंसूर पशु पक्षियों का चित्रकार था जिसके चित्रों ने साहिब किया था विधवा सारस एवं बंगाल के फूल को शामिल किया जा सकता। जहांगीर पहला फसल वास्ता था जिसने अपनी सेना में मारा फसल को शामिल किया था। जहांगीर ने आगरा के साबुल में एवं जमुना नदी के तट पर ज्ञान का जल भी लगवाया था जो सोने का बना हुआ था। इस सिक्कर को खींचने से घंटियाँ बोलती थी टन 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 और समझ जाता था कोई मंदिर पर जात के लिए आया है कोई मंदिर जाएगा।